बधाई हो, आज एक बार फिर से अच्छाई जीत जाएगी, आज फिर से एक बार बुराई की हार होगी और आज फिर से सारी बुराइयां उस रावण के साथ धू धू करके जल उठेंगी। पर कभी सोच के देखा है कि वो जलता हुआ रावण हम लोगों से कुछ कहना चाहता है? जी हाँ, वो रावण कुछ कहना चाहता है, वो रावण हमें कुछ बताना चाहता है और रावण की उन्हीं भावनाओं को एक छोटी सी कविता में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। अगर सच लगे तो जरूर साथ दीजिएगा, जरूर हां भरिएगा और बताइएगा कि क्या आज सच में बुराई खत्म हो गई, क्या आज सच में अच्छाई जीत गई। गौर फरमाइएगा कि वो जलता हुआ रावण क्या कहता है, क्या कहना चाहता है कि अपना अपना कहकर, कि अपना अपना कहकर तुम बेगानों सा चलते हो, दुनिया को सीधी राह पे चलने का पाठ पढ़ाने वालों तुम खुद उल्टी राह पे चलते हो, नित राम राम तुम करते हो, नित राम राम तुम करते हो, पूजा करते हो या डरते हो, पूजा करते हो या डरते हो, अपने जमीर का सौदा करके, अपने जमीर का सौदा करके तुम अपनी जिंदगी के किस्से भरते हो, उस युग जैसे इस युग में, उस युग जैसे उस सतयुग जैसे इस युग में थोड़े से भी काम बचे हैं क्या? अरे मुझको रावण कहने वालों तुम भी राम बचे हैं क्या, मुझको रावण कहने वालों तुम भी राम बचे हैं क्या। राम ने 14 साल वनवास काटा था, राम ने 14 साल वनवास काटा था, पिता का वचन निभाने खातिर प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये दोहा दोहराने खातिर। राम ने 14 साल वनवास काटा था, पिता का वचन निभाने खातिर प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये दोहा दोहराने खातिर। और तुम क्या करते हो, और तुम क्या करते हो कि जिस माँ ने तुमको देखना सिखाया तुम उसको आंख दिखाते हो, और मैंने तो सुना है आजकल के लड़कों कि तुम बाप पर हाथ उठाते हो, और मैंने तो सुना है आजकल के लड़कों तुम बाप पर हाथ उठाते हो, तब जैसे अब भी माँ बाप के चरणों में चारों धाम बसे हैं क्या? अरे मुझको रावण कहने वालों तुम में राम बचे हैं क्या, तुम में राम बचे हैं क्या। श्री राम ने एक ही झटके में, श्री राम ने एक ही झटके में राजपाट सब त्याग दिया, भैया मैं भी साथ चलूंगा कहकर लक्ष्मण ने मन में ठान लिया, राज संभाला पूजा की पर खुद को राजा न माना, राज संभाला पूजा की पर खुद को राजा ने न माना, सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर 14 साल तक भरत ने राम का इंतजार किया। और तुम क्या करते हो, और तुम क्या करते हो, अपने छोटे भाई के हाथ से पानी पीने से भी बचते हो, और मैंने तो यहाँ तलक सुना है कि तुम बड़े भाई की जायदाद पाने को उसकी हत्या की साजिश रचते हो, उस युग जैसे इस युग में, कि उस युग जैसे इस युग में, उस वक्त जैसे इस वक्त में भाई के लिए भाई के दिल में थोड़ा सा मान बचा है क्या, मुझको रावण कहने वालों तुम में राम बचे हैं क्या, तुम में राम बचे हैं क्या। जी हाँ, बुराई का रावण ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम अपने दिलों में छुपी हुई हजारों लाखों करोड़ों बार बुराइयों को निकाल के फेंक नहीं देते, तब तक ये बुराई का रावण यूं ही हम पे हंसता रहेगा और हमसे न जाने कितने सवाल करता रहेगा। तो अच्छाई की जीत सही मायने में तभी होगी जब दिलों में छिपी हुई, समाज में छिपी हुई हजारों बुराइयां जो हमारे आमने सामने हैं, हम इन सबका सामना करेंगे, इन सबसे लड़ेंगे, तभी सही मायने में राम राज होगा, तभी सही मायने में अच्छाई का राज होगा और तभी सही मायने में बुराई का रावण खत्म होगा। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी विजयदशमी।